हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दर्पण बुटीक की फैमिली की तरफ से। हाँ, प्रिया और प्रीति की तरफ से। सब लोग वैसे ही पूछते रहते हैं, दीदी का नाम क्या है, नाम क्या। दीदी को नाम बताना चाहिए रोज ना अपने ब्लॉग में। तभी तो इतना कोई खास भी नहीं है। नहीं यार, लेकिन सबको पता नहीं रहता ना, सब लोग कमेंट करके पूछना पड़ता है। हाँ तो फ्रेंड्स, दीदी का नाम प्रिया है, मेरी प्यारी दीदी का नाम, और मेरा नाम प्रीति है, वो तो आपको पता ही है। प्यारी प्रीति, प्यारी प्रीति। नहीं, प्रीति का मतलब ही दीदी प्यार, और मतलब वो थोड़ा मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, प्रीति मतलब सब किसी से प्रेम। प्रिय, प्रीति मतलब प्रिया। फ्रेंड्स काम करना चालू करते हैं, बहुत हंसी मजाक हो चुका है। क्यों आज बताने वाले हैं साड़ी रीयूज आइडिया। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड जिस चीज की आ रही थी, वो भी मैं बताने वाली हूँ। जो आपको YouTube पे कहीं मिल नहीं रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग ही समझा देते हैं आप लोगों को। कली वाली फ्रॉक, कली वाली फ्रॉक। और फ्रेंड्स पता है वो भी फुल कलियों की, जहाँ गले से नेक से जो कलियाँ स्टार्ट होती है ना, पूरी नीचे तक गाउन टाइप की जो रहती है, उस टाइप की। हाँ है ना दीदी? और क्या, यूट्यूब पे नहीं डाला ना कहीं पे? अरे मैंने बहुत सारी सर्च की है, नहीं मिली। हाँ। चोली की बात से कलियाँ तो मिल गई बहुत सारी, लेकिन फुल कलियों की नहीं मिली। पी है तो मतलब समझ में नहीं आता कुछ। देखिए फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना कि जब हम यहाँ से चोली से कलियाँ बनाते हैं, तो यहाँ नीचे नीचे की चोली वाली बनाना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन जहाँ शोल्डर से कलियाँ स्टार्ट होती है नेक के पास से, और फुल पूरी लॉन्ग जो फ्रॉक होती है कलियों वाली, अनारकली जिसको बोला जाता है, उसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत दिन से कमेंट करके हम लोगों से बोल रहे हैं, प्रिया प्रीति आप लोग बताइए। तो हमने कहा आज फाइनली आपको बताई देते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे ये भी डिमांड की थी कि आप लोग साड़ी से बताइएगा, तो हमने कहा एक काम करते हैं साड़ी से ही बता देते हैं। फिर मम्मी को पटाना पड़ा, फिर एक साड़ी लानी पड़ी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कुछ इस टाइप की साड़ी है, जैसी नॉर्मल सिंपल साड़ियां होती है, कोई वर्क वर्क नहीं है, बस ये एक लेस लगी हुई है, एक लेस लगी और फॉल भी लगी है इसमें। हाँ ये फॉल, तो फ्रेंड्स पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो इसमें फॉल लगी इसको निकाल के हटाना पड़ेगा, और ये जो लेस लगी हुई है इसको निकाल के हटा देंगे हम पहले। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आपकी ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब तक हम ये पूरी लेस निकाल लेते हैं और इसकी फॉल निकाल लेते हैं। हाँ चलो अपन लोग जल्दी निकालते हैं, दोनों मिलकर निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरी फॉल निकाल दी है, और पूरी लेस भी निकल चुकी है, और बाहर बारिश होना चालू हो चुकी है। अब हम लोग सोच रहे हैं कैसे घर जाएंगे, जल्दी से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पूरी साड़ी की लेस तो हमने निकाल दी, अब ये होगा एकदम सिंपल कपड़ा। तो अगर आपके पास साड़ी है, और अगर आप साड़ी से बनाना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप न्यू फ्रेश कपड़े से बनाना चाहते हैं, आप कोई भी मतलब पार्टी वेयर बनाना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं, जैसे भी बनाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखकर आप आराम से कलियों वाली फ्रॉक बना सकते हैं, वो भी फुल कलियों की। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मार्केट से अलग से कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, तो 5-5.5 मीटर कपड़े में आपकी आसानी से बन जाएगी। हम इतने ही कपड़े में आपको बनाना बता रहे हैं। और आपको बहुत ज्यादा घेर चाहिए तो 8 मीटर 10 मीटर जितना कपड़ा यूज करेंगे उतना ज्यादा घेर आ जाएगा। 32 कलियों की 40 कलियों की 50 कलियों कितनी बना सकते हैं, और फॉल को ऐसे रखना है घड़ी बना के। हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कपड़ा हमने सिंगल कर लिया, सिंगल करने के बाद इसको ऐसे दोनों कोने मिलाकर इसको डबल कर लेना। ये देखिए हमारा डबल हो गया। डबल करने के बाद हमें इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेना, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इसको ठीक से जमा लेंगे और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। तो हमने अच्छे से जमा लिया है, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, इस तरह हमने 2.5 मीटर लिया है। और हमको इसको एलाइन में कटिंग करना है। एलाइन में कटिंग करना है तो वैसे आपको आता होगा, एलाइन फ्रॉक जो होती है ना नॉर्मल सी, वो तो अस्तर तो हम एलाइन में ही लगाएंगे। अब हम इसमें नाप लगाएंगे, तो ये नाप रहा हमारा, ये लंबाई हमको 50 इंच रखना है। तो अस्तर की तो आप जितनी चाहे रख सकते हैं, ऊंचा भी रख सकते हैं। सीना 32 है, कमर 28 है, आस्तीन 24 इंच की बनाना है, और 8 फिटिंग है, और गला आगे का 6 और पीछे का 7। तो हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्रेप का हमने अस्तर लिया है, बटर क्रेप जो होता है वो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लगा सकते हैं, कॉटन भी लगा सकते हैं, क्रेप भी लगा सकते हैं, सिल्क सेंटूल भी लगा सकते हैं। कपड़े को हमने अच्छे से जमा लिया है, इसके बाद हमको लगाना है शोल्डर के निशान। कपड़े को हमने सीधा करने वाला निशान लगा लिया पहले, इसके बाद हमें बड़े गले बना रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर 6 पर रखेंगे, 12 शोल्डर रखेंगे, उसका आधा हो जाएगा 6 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। स्लीव्स भी हमारी फुल हैं, तो आर्मोल्स का साइज हम 6.5 पर लगाएंगे, और कमर का साइज 14 इंच पर लगाएंगे, और लंबाई हम पूरी फुल रख रहे हैं इसमें जितनी भी आ रही है। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। 32 चेस्ट है, 2 इंच लूजिंग एड करेंगे इसमें, 34 हो जाएगा, 34 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। ये देखिए 8.5 पर निशान लगा लेंगे। 28 कमर है, 2 इंच प्लस करेंगे, 30 हो जाएगा, 30 का चौथाई भाग 7.5 आएगा, 7.5 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए निशान लग गया।
इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, इस निशान से इसको मिला देंगे, यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद बड़ा स्केल लेना है आपको और यहाँ से इस निशान के पास से ऐसा तिरछा निशान लगाना है हमको, पूरे लास्ट की हमने तिरछी लाइन खींची। ये देखिए हमने लाइन यहाँ तक खींची है, पूरे नीचे तक नहीं खींची क्योंकि यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई डालेंगे, नहीं तो फिर कोने लटकते हैं, आपको तो पता ही है एलाइन फ्रॉक जो रहती है उसके कोने काटे जाते हैं, तो एलाइन में अस्तर कट करना है। एलाइन में हमने अस्तर कट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी गोलाई कर लेंगे। ये देखिए ये गोलाई हो गई हमारी, इसके बाद हम कर देंगे इसकी कटिंग। दो इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से हमने मार्जिन को थोड़ा कम कर दिया है, यहाँ से हमने 1.25 इंच रख लिया, हमने इसको हटा दिया यहाँ से काट के। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, एक कट यहाँ कमर पे लगा लेंगे और एक यहाँ सेंटर पे लगा देंगे। ये लगाने के बाद इस कपड़े को यहाँ से ऐसे पलटेंगे और यहाँ से ये, यहाँ से हमने इसके कोने काट दिए और इस कपड़े को बाकी को खोल देंगे यहाँ से। ये हमारी इतनी हो गई। इसके बाद हमें करना है गले की कटिंग। इस कपड़े को हमने ऐसा फोल्ड किया, इस तरफ कर लिया पलट के, आगे और पीछे पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये पीछे वाला हमने इसमें से हटा दिया, इतना हटाना है कि गले के पास बिल्कुल भी ना आए, इसको जमा लेंगे। अब हमको करना है गले की कटिंग। 2.25 इंच हम गले की फैलान रख लेंगे और गले का जो साइज है वो 6 इंच का है, तो हम 6 ही रखेंगे क्योंकि पट्टी लगने में यहाँ पर बढ़ जाएगा, थोड़ा यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर दब जाएगा, तो बराबर हमारा 6 ही आएगा। नीचे भी हमको फैलान 2.25 ही रखना है। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा राउंड शेप। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये गला कट हो गया हमारा। अब हम आर्मोल्स के पास 1 इंच गोलाई कर लेंगे। ये हमने कर दी है इसकी गोलाई, तो आगे के पार्ट्स का काम हमारा हो गया है। अब हम पीछे वाला पार्ट्स लेते हैं, इसको नाखून लगा के जमाएंगे। पीछे गले की फैलन हमको 2.25 रखना है, मतलब नेक की विड्थ। गले का साइज 7 इंच है, तो 7 पर निशान लगा लिया। और आप चाहें तो पीछे का गला फैला भी बना सकते हैं थोड़ा, पर हमको नहीं बनाना ज्यादा फैला, हमने 2.25 ही फैलान रखी है। फैला बनाना हो तो 2.5 फैलान रख लिया दीदी, मतलब 2.5 इंच रख लो। यहाँ पर भी 2.5 और इसमें भी, दोनों में 2.5, आगे और पीछे दोनों में, और इसमें भी गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, कटिंग कर देंगे। दोनों साइड गले कट हो गए हैं हमारे। नेक की हम पट्टियां और कट कर देते हैं। तो हमारे पास जो कपड़ा बचा है, ये वाला कपड़ा हमने लिया, एक ले लिया है हमने सिंगल करके, इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेना है। नाखून मार लिया, इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये देखिए यहाँ से हमने इतना बड़ा लिया है कपड़े को और इतनी दूरी से हमने इसकी कटिंग कर दी। जैसी पट्टी हमने ये वाली कट की है, वैसी हम आगे वाली भी कर देंगे। गले की पट्टी हमारी दोनों कट हो गई है, तो अस्तर अस्तर की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अस्तर को हम हटा देंगे और मेन फैब्रिक को लेंगे हमारे। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक, लगभग आपको 5 मीटर तो लेना ही लेना है। इसका सीधा उल्टा देखेंगे और इसके बाद इसको एक बार यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम ये पार्ट्स निकाल रहे हैं, कितनी हमारी इसमें से पट्टियां निकल आएंगी आगे पीछे के लिए। फोल्ड किया, इसको जमा लिया। इस कपड़े को पहले यहाँ से काट कर सीधा कर लेंगे। साड़ी को हमने अच्छे से जमा लिया है। अब देखिए आपको यहाँ से निकालना है पार्ट्स। कलियां निकालने के लिए उसके पार्ट्स अलग अलग करना पड़ेंगे। पार्ट्स आपको पता करना पड़ेंगे इसमें से कितने निकल पा रहे हैं, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे या फिर 4 निकलेंगे। हमारी जो लंबाई है 50 इंच की है। ये देखिए ये रही 50 इंच लंबाई। और नॉर्मल जब हम कुर्ते बनाते हैं तो उसमें 2 इंच बढ़ा कर रखते हैं, 1.5 इंच नीचे मुड़ जाता है और 1/2 इंच शोल्डर के पास दब जाता है, तो 2 इंच बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें हमको 3 इंच बढ़ाना पड़ेगा। 3 इंच हम इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि कलियां जो होती है वो आगे पीछे हो जाती है, जब उसमें सिलाई लगती है तो वो आगे पीछे हो जाती है, इसलिए हम इसमें 3 इंच बढ़ा रहे हैं ताकि बनकर सिलकर तैयार हमारी 50 इंच आ जाए, इसलिए हमको 53 इंच रखना पड़ेगी। तो यहाँ से हमने इंची टेप को रखा और 53 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस कपड़े को यहाँ से हटा देना है। इस वाली को हमने हटा दिया, इस साड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही जमाया हुआ था इसको ऐसा ही एक बार और जमा लेंगे, जैसे हमने पहले जमाया था वैसे ही हमने एक बार और जमा लिया है। अब हमको फिर से एक बार और निशान लगाना है 53 इंच पर। ये देखिए हमने ये 53 पर निशान लगा लिया और साड़ी को आगे घसकाएंगे। एक तो हमें पार्ट्स निकाल लिया और ये हमारा दूसरा पार्ट्स हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट होने के बाद इसको नाप कर देखेंगे, एक पार्ट और निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अरे दीदी इतना बड़ा फैब्रिक है, आराम से निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक बार और निकल जाएगा। इसके बाद स्लीव्स निकालने के लिए कितना कपड़ा बचा है, देखिए कितना कपड़ा और बच रहा है, तो आराम से फुल अस्तीन बन जाएगी। ये देखिए ये तो 30 इंच का कपड़ा बच गया हमारे पास। ये देखिए 30 इंच का बच रहा है, तो अस्तीन तो सिर्फ 24 इंच की लगा है, इसमें से निकल जाएंगे, मतलब कि हमारे इसमें से 2 पार्ट्स और निकल जाएंगे। एक हमारा निकल चुका है, एक ये हो जाएगा दूसरा और एक ये हो जाएगा तीसरा, 3 पार्ट हमारे इसमें से निकल रहे हैं, तो हम काट कर इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने 2 पार्ट और निकाल लिए हैं
और एक हमारे पास ये पहले से था, तो ये हमारे हो गए तीन। ये हमने तीन निकाल दिए हैं, तीन पार्ट निकल गए हमारे। और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से निकाल लेंगे हम आस्तीन है। तो कलियां हम अभी आपको बता रहे हैं कटिंग करना, उससे पहले निकाल लेते हैं आस्तीन। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। वो भी हमने पूरा फोल्ड नहीं किया है, जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से हमने इसको फोल्ड कर लिया। सीने का चौथाई भाग कितना निकला था हमारा? 8.5 इंच। तो 1 इंच हमने इसमें बड़ा कर रख लिया, 9.5 इंच। तो कपड़े को हमने 9.5 इंच तक फोल्ड किया है। इसमें नाखून लगा लेंगे। इस कपड़े को पहले यहाँ से काट कर सीधा करेंगे। ये चूड़ीदार अस्ती ने बना लिया, कपड़ा तो बच रहा है। बच रहा है दीदी, बच रहा है, फाल तो पिकेगा वो। हाँ, ये रहा हमारा मोड़ने का निशान, इतना हमारा यहाँ पर मुड़ जाएगा। और अस्ती ने 24 निकाल रहे थे हम, लेकिन हमारे पास जो कपड़ा बच रहा है वो हम पूरा रख लेंगे। ये देखिए हमने 27.5 पर रख लिया है। और अस्तीन की फिटिंग अब हम 8 इंच नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे 7.5 इंच। 7.5 का आधा हो जाएगा 4.25 इंच। और ये हमने मार्जिन रख दिया, आप अंदाज से भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है। यहाँ से रखना है इंची टेप को। ये देखिए ये लाइन रही, यहाँ से 3.5 इंच नीचे एक साइड निशान लगाएंगे डाउन करते हुए। ऐसे आप लाइन भी मिला सकते हैं, यहाँ से आपको राउंड शेप देना है। अब आपको ये वाला स्केल लेना है, राउंड वाला। ये मार्जिन के पास से हमने स्केल को रखा यहाँ पर कोने की साइड, जहाँ तक हमारा निशान आया था। ऐसे निशान लगा लेना है राउंड का शेप देते हुए। अब एक यहाँ से अंदर रखना है। कितने अंदर दीदी? 2 इंच। 2 इंच अंदर, 2 इंच अंदर भी हमने ऐसे ही राउंड शेप देते हुए निशान लगा लिया। अब हमको इसकी कटिंग कर देनी है, जैसा हमने निशान लगाया है उसी निशान पर से। और यहाँ पर एक कट भी मार देंगे, ये हमारा ये मोड़ने वाला कट है। और एक कट हमको यहाँ पर लगाना है। अब दो पार्ट्स पकड़ेंगे, ये देखिए ये दो लिए हमने, और इन दोनों को मिलाकर गोलाई कर देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई है। तो आस्तीन की कटिंग तो हो गई हमारी, चूड़ीदार आस्तीनों की कटिंग हो गई है। इसको हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे। अब इनको क्या करना है, ये हमने तीनों फैब्रिक एक साथ ले लिए हैं, इसको सिंगल करेंगे। ये दो हटा दिए, इसको सिंगल कर लिया। सिंगल करने के बाद एक और ले लेंगे, सीधा उल्टा देखना है आपको। ये देखिए हमने दूसरा ले लिया, एक को अभी हमने हटा दिया। और इनको सीधा उल्टा देखते हुए सीधे सीधे आमने सामने मिल जाना चाहिए और उल्टे उल्टे पीछे साइड आना चाहिए। अगर चार होते तो और अच्छा होता प्रीति ना। हाँ, चार बहुत साथ निकल जाते। हाँ। अब तीन है तो दो पहले निकालना पड़ेंगे, एक बाद में निकालना पड़ेगा, क्योंकि कलियां उल्टी सीधी हो जाएंगी। नहीं तो अब हम इसमें से कलियां निकालेंगे। तो निकालना कैसे है मैं आपको अच्छे से सरल तरीका बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखना, ताकि आपको अच्छे से आसानी से ये समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे ढूंढ लेना, इतना सरल तरीका आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। क्या हमारे पास तीन पार्ट है, एक ये है और एक ये वाला है। और ये अंदर वाले दोनों कपड़े सीधे हैं, और ये वाला कपड़ा हमारा उल्टा है, और ये वाला कपड़ा भी हमारा उल्टा है। ठीक है, दो पार्ट ले लिए, एक पार्ट अभी हमने अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कलियों का निशान लगाना है। तो इसमें से हमें यहाँ से यहाँ तक लगभग हमारी इसमें से 7 कलियां निकल जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और दीदी ने मुझे बताया कि 7 कलियां निकलती है। प्रीति हम लोगों को आता है, मतलब जब भी मनाते हैं जितनी बार भी हमने मनाई है, तो लगभग 6-7 कलियां निकल जाती है। तो हम 7 कलियों के हिसाब लेकर चल रहे हैं कि इतने चौड़ाई वाले फैब्रिक में से, मतलब 40 इंच की चौड़ाई रहती है, 40, 42, 44, तो 7 कलियां लगभग निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, इसमें से पहले हम निशान लगाएंगे। नीचे से जो कली रहती है ना फ्रेंड्स, 7-8 इंच के आप नीचे से रख सकते हैं, मतलब ये नीचे साइड की कली रहती है। और ऊपर की तो हमें अपने फिटिंग के हिसाब से निकालना रहती है। तो नीचे की कली हम रख रहे हैं 8 इंच लंबी। अगर आप गाउन बनाते हैं तो 8 इंच की कली रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट फ्रॉक बना रहे हैं, तो कली आप 7 इंच की रखिए। शॉर्ट भी चल रहे हैं आजकल, लहंगों के साथ पहनते हैं। इसलिए हम लंबे गाउन बना रहे हैं, इसलिए हम कली रख रहे हैं 8 इंच की। ये देखिए 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ये यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से 8 इंच। और एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 8 इंच का। ये देखिए ये लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये नीचे से तो हमें पूरी कली लेना है, लेकिन यहाँ से हमें जो कलियों का साइज लेना है, ये हम अपने फिटिंग के हिसाब से लेते हैं। तो लेना किस हिसाब से है सब लोग ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी कि आप लोगों को अपनी फिटिंग का भी समझ में आ जाए। कैसे लेना है देखिए, आप अपना जो अस्तर कटिंग करेंगे आपको वो ले लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सीने के पास से मार्जिन साइज फिटिंग नाप के देखनी है। ये कितनी आ रही हमारी, लगभग 10.5 इंच। लेकिन हम एक काम करेंगे, 10 इंच इसमें लेके चलेंगे, क्योंकि इतना सा अगर हम यहाँ पे छोटी सी बाद में कली फंसा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। राउंड फिगर हम नाप लेके चलेंगे 10 इंच, ताकि हमें बाद में मतलब आगे पीछे नाप लगाने में दिक्कत ना हो। तो राउंड फिगर हमने 10 ले लिया। 10 इंच यहाँ का फैब्रिक, ये हमारे जार फैब्रिक है 10, ये वाला 20, ये 30 और ये 40। तो टोटल हमें चाहिए 40 इंच का फैब्रिक, मतलब
20 इंच आगे के लिए, 20 इंच पीछे के लिए, टोटल फैब्रिक चाहिए हमें 40 इंच का। तो हमारी इसमें से मैंने आपको बताया ना कि जैसे 7 कली हमारी निकल जाती है एक पार्ट में से, तो हमारे पास कितने पार्ट है, एक ये है और एक ये नीचे वाला, 2, 7 इसमें से निकलेंगे, 7 इसमें से टोटल हो जाएंगे 14, और 7 इस वाले में से निकलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 21। तो हमारी टोटल कलियां निकलेंगी 21। तो 21 कलियां निकलेंगी हमारी, तो हम 21 तो नहीं लेंगे, हम 20 लेंगे, क्योंकि 10 आगे लग जाएंगे 10 पीछे लग जाएंगे, तो एक कली बच रही है वो तो किसी काम की नहीं है, जोड़ लगाने के काम में जाएगी। हाँ, वो बाद में जोड़ लगाने के काम में जाएगी, जो मार्जिन बच रहा है उसमें। तो 20 कली का हिसाब हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल हमें फैब्रिक चाहिए 40 इंच का, कलियां हमारी निकल रही 20 इंच, तो 40 इंच जो हमारे फैब्रिक की जरूरत है फिटिंग के लिए, उसमें हम 20 कलियां जो निकल रही उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 हट गई, ये 2 से 2 हटने के बाद बचा हमारा 2 इंच। अगर आपको आपका नाप अगर मतलब राउंड फिगर में नहीं आए और अगर गड़बड़ आए तो आप कैलकुलेटर लीजिए, आपकी टोटल आपको जितना फैब्रिक की जरूरत है फिटिंग सहित मार्जिन सहित, हमें तो 40 इंच फैब्रिक की जरूरत है, मान लो आपको 50 इंच 52 इंच 53 इंच जितनी भी जरूरत पड़े, जितनी भी आपकी आपकी चेस्ट की फिटिंग हो उसमें आपको कलियों का भाग देना है, जो भी आपका नाप निकलेगा वो आपको लगाना है। तो हमारा निकल रहा है 2 इंच का, हमने जो 8 इंच पर निशान लगाया था उसका हम सेंटर लगाएंगे तो वो आएगा हमारा 4 इंच पर, तो हमें 2 इंच की कली चाहिए, तो 1 इंच का निशान हमने इस साइड लगाया और 1 इंच का निशान हमने इस साइड लगाया, ये तो हमारी कली आ गई। और अब हमें कली में आधे आधे इंच का मार्जिन भी चाहिए पड़ेगा, ये आधे इंच इस साइड और आधे इंच इस साइड सिलाई के लिए हमारा मार्जिन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कली हमें लेना है 3 इंच की। अगर आपको 2 इंच की कली बनकर तैयार चाहिए तो आपको 3 इंच की रखना पड़ेगी, आधे इंच सिलाई में यहाँ दबेगा आधे इंच यहाँ दबेगा, बनके तैयार आपकी 2 इंच की कली रेडी हो जाएगी। बड़ा स्केल ले लेना है और यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है, कली का शेप देना है, दे दिया यहाँ से, तो यहाँ से भी दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कली का शेप तो हमने डाल लिया है, अब हमें क्या करना है, ये शोल्डर के पास की कली है और अब हम मान लीजिए शोल्डर से यहाँ चेस्ट के पास तक मान लीजिए 10 इंच पे आएगा, तो 10 इंच पे देखिए ये हमारा 10 इंच हो गया, ठीक है। 10 इंच पे अब कली का साइज देखिए कितना बड़ा हो गया, कितने इंच की हो गई, ये 4.5 इंच की कली हो गई। तो हमने यहाँ का नाप लिया है वो हमारा 3 इंच का निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कली 4.5 इंच की हो गई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सबसे और कमर तो और ज्यादा पतली होती, कमर तो और पतली होती, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, यहाँ से हमने इंची टेप को रखा, यहाँ से आप निशान लगा लीजिए 18 इंच पे, हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया और एक निशान लगा लेंगे हम 14 इंच पे। तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है, 14 इंच पे हमने क्यों लगाया, 14 इंच पे होती है हमारी कमर, यहाँ से यहाँ तक 14 इंच, और 18 इंच ऐसे फिटिंग जाती है ना, तो 18 इंच लगभग पहुंच जाती है हमारी फिटिंग, और चौक भी लगभग 18 20 22 इंच पे बनते हैं। तो यहाँ से हमें ये 14 इंच पे क्या करना है, ये हमने यहाँ से पहले तो सेंटर का निशान लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है तो 4 सेंटर लगा लिया। अब यहाँ से हमें लेना है कली 3 इंच की, डेढ़ यहाँ पे और यहाँ पे 3, ये हमारा 3 इंच कली निकल गई, यहाँ पे 3 ली और यहाँ 18 इंच पे हम लगभग 4 ले लेंगे। पहले हम सेंटर यहाँ पे भी लगाएंगे, ये हमारा सेंटर रहा, ये 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये हो गई 4 इंच की। तो हम ऐसे अब निशान लगाना है, यहाँ से आपको स्केल को मिलाना है, ये 3 वाला, ये ऊपर सेंटर का, ये यहाँ ऊपर की कली, ये यहाँ का निशान और ये नीचे का निशान, ये हमने गोलाई कर दी कली में। अब यहाँ पे भी हमें यही करना है, गोलाई आ गया हमारा कली का शेप। अब आपको क्या समझ में आया, इससे क्या सीख मिलती है, हाँ, आपको इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि यहाँ की कली हम 3 इंच की रख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक कमर तक तो आपको 3 इंच की ही कली चाहिए, और कमर से थोड़े से नीचे जाते जाएंगे तो कली थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी और फिर यहाँ पूरी खुल जाएगी। इससे क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीति? हाँ, इससे प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि यहाँ से जो कलियाँ बना लेते हैं, कोई कोई लोगों ने बनाई भी होगी, ट्राई भी करी होंगी, एक यहाँ से निकाल निकाल के, लेकिन यहाँ शोल्डर से जोड़ने के बाद तो यहाँ से ऐसी भक्ति इतना जोड़ा हो जाता है, फिर बनाना मतलब फिटिंग डालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यहाँ की कलियाँ तो बाहर ही निकल जाती है फिर। इसलिए हमने आपको बताया है यहाँ से लेके लगभग आपको 14-15 इंच तक तो आपको कली सीधी लेना है और यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा एयरलाइन का शेप दे के कली खोल देना है, ठीक है, आ गया आपको समझ में? तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कली वाली फ्रॉक में। हाँ, तो अब हम ये अंदर वाली जो लाइन की हमने फिटिंग वाली लाइन लगाई है उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारी कली निकल चुकी है और इसका शेप यहाँ तक सीधा और यहाँ से थोड़ा बढ़ता जाएगा और पूरी यहाँ से 8 इंच की हो जाएगी। तो एक कली तो हमने ये निकाल दी है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको लेना है, ये उठाई और हमने घुमा लेना है, घुमाने के बाद इसको यहाँ पे रखना है अच्छे से जमा कर, अच्छे से हम प्रॉपर इसको बिछाएंगे, जितना कपड़ा बाहर निकल रहा हो इस साइड से उस साइड से बाहर निकल जाने दीजिए, वो बिल्कुल एकदम
स्थिति में छाना है आपको, जैसे हमने फर्स्ट वाली निकाली ना भैंस वाली, देखिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, निकल जान दीजिए, नहीं तो बाद में ये सही नहीं आती है, ये बिछ गई हमारी। यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देंगे, इसके बाद ये वाली ले लेंगे हम और इसको हम इस साइड बिछा लेते हैं, डायरेक्ट ही हम कटिंग करते जाएंगे क्योंकि ये हमने ली यहाँ पर, और इसको भी हम अच्छे से बिछा देंगे यहाँ पे। ये हमने दूसरी भी इसके ऊपर जमा ली है, तो एक कली पतली यहाँ से आएगी यहाँ तक चौड़ी हो जाएगी, यहाँ से पतली आएगी यहाँ तक चौड़ी हो जाएगी, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे हम सारी कलियां निकाल लेते हैं। यहाँ से लेकर वहां तक की कलियां हमने निकाल दी है और बिल्कुल सही हमारी निकल चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 × 14 कलियां निकल चुकी है क्योंकि ये डबल पार्ट था हमारा, और 14 अब हमें बचे हैं 7 निकालना इस वाले पार्ट में से, 6 और निकालना है प्रीति। हाँ 6 और निकालना, 7 की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले हटाएंगे, ये वाली कलियां निकालने के बाद हमें ये एक और जो फैब्रिक बचा है इसको हमें डबल रखना है, डबल रखने के बाद ये हमें एक कली लेना है, ये हमने ली और इस कली को हम डबल में ही निकालेंगे ताकि आसानी रहे, दो दो इकट्ठी पकड़ के सिल देंगे। तो देखिए एक हम यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे हम 3 कलियां और निकाल देंगे, मतलब 6। देखिए फ्रेंड 3 कलियां और हमने निकाल ली है और एक कली हमारी एक्स्ट्रा बच गई है जो हमें, क्योंकि 21 कली निकाल रही थी ना इसलिए। तो फ्रेंड्स फाइनली ये पूरी कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये रहा हमारा अस्तर, ये रही हमारी कलियां, ये गले की पट्टियां, ये रही हमारी स्लीव्स, और इसी के साथ पूरी हमारी कलियों वाली अस्तर वाली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, और वो भी साड़ी से बनाई आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो पसंद आई हो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने पहले कर दी होगी, अगर जिस जिसने नहीं किया वो अब कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेकर, कल करेंगे अपन इसकी स्टिचिंग। बाय बाय।